योजना के प्रचार प्रसार के चलते अब धीरे धीरे समाज में जागृति बढ़ रही है। पुरुष प्रधान समाज में अब महिलाओं को भी बराबर का दर्जा मिलने लगा है। शिक्षा के प्रभाव तथा महिलाओं को मिलने वाले समानता के दर्जे के चलते अब महिलाएं भी समाज के कई ऐसे रिवाज तथा रस्मों का निर्वहन कर रही है जिन पर अब तक केवल पुरुष का ही हक माना जाता रहा है। महिलाएं अब मृतक की अर्थी को कंधा देने से लेकर शमशान घाट तक जाकर मुखाग्नि तक देख रही है। शुक्रवार को ब्यावर शहर में भी ऐसा ही एक उदाहरण सामने आया जिसमें बेटी ने अपने पिता की अर्थी को न केवल कंधा दिया बल्कि मुक्ति धाम पहुंचकर उसे मुखाग्नि भी दी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को शहर के दिलवाड़ा रोड यादव भवन के पास कांता कुंज निवासी अनिल कुमार पुत्र स्वर्गीय हुक्मी चंद मित्तल की हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी। बताया जा रहा है कि स्वर्गीय मित्तल के केवल एक बेटी है। बेटी उर्वशी मित्तल ने अपने पिता की अर्थी को कंधा देकर विजयनगर रोड स्थित हिंदू सेवा मंडल के मुक्ति धाम पहुंचाया तथा वहां पर बेटे का फर्ज अदा करते हुए अपने पिता की चिता को मुखाग्नि भी दी। बेटी के इस जज्बे का मुक्ति धाम पर उपस्थित समाज के लोगों तथा शहर वासियों ने सलाम किया। स्वर्गीय मित्तल की अंतिम यात्रा में शंकर लाल, विष्णु प्रकाश, कैलाश, कल किशोर, राकेश, भगवान दास, मुकेश, दिनेश, नरेंद्र, लोकेश, आशीष तथा हितेश मित्तल सहित बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भी शिरकत की। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार शाम को ब्यावर पहुंचे। इस दौरान मंत्री शेखावत ने शहर के रिको हाउसिंग कॉलोनी स्थित भाजपा नेता इंदर सिंह बागावास के आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्हें बागावास की माताजी स्वर्गीय श्रीमती मरुधर कंवर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय श्रीमती मरुधर कंवर की तस्वीर के समक्ष पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परमपिता परमेश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। इसके पश्चात मंत्री शेखावत ने भाजपा नेता इंदर सिंह बागावास, उनके पिता कल्याण सिंह, भाई ब्रिगेडियर अर्जुन सिंह से मिलकर संवेदना प्रकट की। इस दौरान अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत, पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, पूर्व विधायक देवेशंकर बुतरा, भाजपा नेता अभिषेक सिंह चौहान, प्रसून शुक्ला, सलीम खान, जवाजा प्रधान गणपत सिंह, नरेश कनौजिया सहित अन्य भाजपा नेता तथा पदाधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री शेखावत के ब्यावर आगमन पर अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप तथा एसपी चुनाराम जाट, एसडीएम मृदुल सिंह, सिटी थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। ब्यावर से जयपुर रवाना होने के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रदेश में 2018 से राज्य सरकार की स्थिति बेहद खराब है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो रही है। महिला अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। चोरी तथा दुष्कर्म की घटनाओं का ग्राफ भी प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। बातचीत के दौरान शेखावत ने बताया कि केंद्र सरकार की पूरा फोकस जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में पूर्व में 3,23,00,000 घरों के लक्ष्य में वृद्धि होकर वर्तमान में 10,40,00,000 घर हो गए हैं। इससे पूर्व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ब्यावर आगमन पर युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य व नागौर जिला संगठन प्रभारी दीपक शर्मा के नेतृत्व में युवा मोर्चा के समस्त पदाधिकारियों ने खरवा बस स्टैंड में ब्यावर टोल नाके पर भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। राजस्थान में न केवल पेयजल के अभी तो देश के सरकार की या प्रदेश की सरकार ने जो घोषणाएं की थी वो सभी योजनाएं धरातल पर उस जो है उस तरह से मूर्त रूप नहीं ले पाई जैसे कल्पना की गई। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन राजस्थान की जिस तरह की है मुझे लगता है उस पर अब टिप्पणी करना भी आवश्यक नहीं रह गया है। सरकार के मुखिया लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद में भी 14 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद में यदि अफसोस व्यक्त करें कि अस्पतालों ने लूट मचा रखी है, सरकारी अस्पतालों में काम नहीं हो रहा है, जो वादे करें वो वादे धरातल पर न उतर पाए। मुख्य फोकस जो है वो पेयजल पर है। हर घर को ग्रामीण क्षेत्र में पीने का पानी मिले इस लक्ष्य के साथ में जल जीवन मिशन पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। देश भर में पिछले 3 साल में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2019 में घोषित करने के बाद जो संख्या 3,23,00,000 घरों की जहां पानी पहुंचा था ऐसी होती थी वो आज बढ़कर के 10,40,00,000 से ज़्यादा हुई है। जो कवरेज देश के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करूं 16% से कुछ अधिक होता था वो लगभग 55% के आंकड़े को छूने लगा है। और जिस लक्ष्य को लेकर के 2024 तक हम सर हर घर तक पेयजल मिले
माताओं बहनों को पेयजल लाने के ढोकर के लाने के अभिशाप से मुक्ति मिले और साथ साथ में गुणवत्ता का पानी उचित मात्रा में नियमित रूप से मिले, इसके लिए हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं। अनेक राज्यों ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। गोवा 100% सर्टिफाइड स्टेट हो गया है, जहां हर घर ने अपने आप को सर्टिफाई कर दिया कि हमारे घर तक पानी पहुंचता है, हर पंचायत ने सर्टिफाई कर दिया। अंडमान निकोबार भी सर्टिफाइड हो गया है, गुजरात सर्टिफाइड स्टेट हो गया, पंजाब लगभग सर्टिफिकेशन के उस मुकाम को प्राप्त करने के स्तर पर खड़ा है, हरियाणा ने अपने आप को 100% डिक्लेयर कर दिया है, तेलंगाना ने डिक्लेयर कर दिया है, बहुत सारे राज्य 90% से ऊपर, लगभग बहुत सारे राज्य अब उस आंकड़े को छू चुके हैं। लेकिन राजस्थान में जहां सबसे ज़्यादा पेयजल का संकट था, जहां सबसे बड़ा अभिशाप था, महिलाओं को, माताओं बहनों को कई किलोमीटर चलना पड़ता था, जिस गति से काम होना चाहिए था इस अपॉर्चुनिटी को का लाभ उठाते हुए, दुर्भाग्य से वो नहीं हो पाया। और आज राजस्थान जो है वो देश के जो कुल 32 प्रदेशों में ये कार्यक्रम चल रहा है उनमें सबसे पिछड़े हुए 3 प्रदेशों में से एक है, जहां देश का स्तर, जैसा मैंने कहा, कि 16% से बढ़कर के 55% तक पहुंचा है, लगभग 39% की ग्रोथ हुई है। वहां राजस्थान अभी 12 से 27 तक पहुंचा है, केवल 15% की ग्रोथ हुई है।